हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट और कोच हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारी भावनाएं जो है, इमोशंस, वो हमारे बदन के ऊपर कैसा परिणाम करती है। होता क्या है कि हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को खुद के बारे में एक गुस्सा, अपराधीपन की भावना, तीव्र स्वरूप का द्वेष, और मैं इतना अच्छा नहीं हूं, ऐसे विचार बार बार आते रहते। फिर से बोलता हूं, गुस्सा खुद के बारे में, खुन्नस अपराधीपन की भावना कि मैंने कुछ तो भी गलती की है और वो हम पकड़ के बैठे हैं, और मैं इतना अच्छा नहीं हूं, अपने प्रति मतलब क्रोध आना, और वो दिमाग में बिठा के रखना पक्का। और वो जो है, वो यदि हम छोड़ देते हैं, यदि हम वो उसको फ्री कर देते हैं, अपने आप को ये जो भावनाएं जो है, ये विचार जो है, इसे यदि हम फ्री कर देते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कैंसर भी ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतर मन में ये बहुत ही पक्का बैठा हुआ है। हम खुद के ऊपर प्यार नहीं करते, खुद के ऊपर हमको बहुत बड़ा गुस्सा है, कुछ तो भी पकड़ के बैठे, कोई गलती की होंगी, कुछ तो भी ऐसा है कि जो अपने आप को अंदर से लगता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, या कुछ अप्रामाणिकता अंदर है। तो यदि आप वो छोड़ देते हैं, जो अतीत का सब छोड़ देते हैं और अपने आप के ऊपर प्यार करना चालू कर देते हैं कि जो मैं जैसा भी हूं वैसा हूं, और मैं खुद के ऊपर प्यार करता हूं, और वो गुस्सा अपराधीपन की भावना जस्ट छोड़ देना, जस्ट रिलीज करना वो अतीत से जो आई हुई है, तो काफी सारी बीमारियां ठीक हो सकती। ऐसा बोला जाता है कि खुद के ऊपर प्यार करना और अपने आप को माफ कर देना, ये बहुत बड़ी दवा है कोई भी बीमारी की। क्योंकि ब्रेन में समझो ये पक्का बैठा हुआ है अंदर, ये भावनाएं पक्की बैठी हुई है, विचार पक्के बैठे हैं, तो ब्रेन कहां एक्सप्रेस करेगा? वो जो अंतर मन है वो एक्सप्रेस कहां करेगा? वो एक्सप्रेस करने के लिए उसको एक ही जगह है, वो है अपना बदन, और बदन से ही एक्सप्रेस करेगा, बदन से ही बाहर आएगा। तो वो फिर बदन से बीमारी के रूप में बाहर आता है। हमको हमारे पेरेंट्स के बारे में, मां बाप के बारे में बहुत ही गुस्सा रहता है। कुछ कुछ लोगों को, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने मेरे को एजुकेशन बराबर दिया नहीं, उन्होंने मेरी परवरिश बराबर किया नहीं, डिसिप्लिन सिखाया नहीं, मुझे गलत आदतें लग गई, ऐसा वैसा यूं त्यूं, जो काफी सारा गुस्सा माँ बाप के बारे में बहुत सारे लोगों को रहता है। उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया, बहुत सारे मेरे तरफ तो इतने बच्चे आते हैं, 18 साल और 25 साल के बीच के बच्चे आते हैं, और उनको बहुत सारा गुस्सा अपने माँ बाप के बारे में, और फिर वो बदन से बाहर निकलता है बीमारी के स्वरूप में। फिर हो सकता है कि उनको दमे की बीमारी हो जाएगी, सांस फूलने की बीमारी, अटैक, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, डायबिटीज हो जाएगा, शुगर की बीमारी है, या सरदर्द है, हेडेक, माइग्रेन, बॉडी एक्स, पेन्स, मतलब सब तरह की बीमारियां, इवन कैंसर, इरिटेबल बॉडी, पेट में दर्द, काफी बार टॉयलेट को जाना, ढकार आना, एसिडिटी हो जाना, ऐसी काफी सारी बीमारियां होती रहती है। जो पेरेंट्स के बारे में खुन्नस है, यदि मैं हर एक को बोलता हूं कि भाई आप, यदि आपके पेरेंट्स के साथ में बातचीत करते हैं और वो, उन्होंने जो भी आपके साथ में बर्ताव किया, जैसी भी आपकी परवरिश की, उन्होंने उनका सर्वोत्तम दिया, उनकी जो बुद्धि चल रही थी, उनको जितना दिमाग था, उनको जितना तजुर्बा था, वहां से उन्होंने आपके अच्छे के लिए जो करना था वो किया। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, या अपने बच्चे का नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो ये माँ बाप आपके ऐसा क्यों बिहेवियर करते हैं, ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं,
यदि आपको जानना है ना तो आप उनके साथ में बैठो, उनको पूछो कि उनके बचपन में क्या हुआ था, उनकी परवरिश कैसी की गई थी, तो मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे। तो माँ बाप का जो माँ बाप के प्रति जो गुस्सा है, जो खुन्नस है, समझो होती है, तो वो निकालना, उनको माफ कर देना। लोगों को माफ करना और खुद को माफ करना ये बहुत बड़ी अच्छी दवाई है, और वो दवाई हम लेते हैं ना तो बहुत सारा फ्रीडम मिलेगा। ऐसा बोलते कि अतीत से सब ये आ रहा है, अतीत से मुक्त हो जाओ, पास से मुक्त हो जाओ, और जो भी आपके दिमाग में आपके प्रति द्वेष, मत्सर, गुस्सा, अपराधीपन की भावना, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अकेला हूं, ये भावना है, ये विचार, ये सब इसको यदि प्रेजेंट हो जाए, और यदि आप उसको प्रेजेंट होकर उसको बाजू में रख देते हैं, तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि दवा पूरी बंद नहीं होगी, मगर काफी सारी दवाई भी बंद हो सकती है, और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपको यदि कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी होंगी नहीं, और है कोई बीमारी, और यदि मैं बोलता हूं ऐसा, यदि कर लिया कि जिसके प्रति गुस्सा है उसके साथ में बात करो, माफी मांग लो, माफ कर डालो, पूरा हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ उसके साथ में, वहां जवाबदारी लो खुद के ऊपर, तो मेरी वजह से हुआ है। और यदि उस तरह का यदि आप करते हो, लोगों से प्यार करते हो, अपने आप के ऊपर प्यार करते हो, लोगों को माफ करते हो, अपने आप को माफ करते हो, तो एक अच्छा जीवन आप जी सकते हो। आप जैसे है वैसे है, और जैसे नहीं है वैसे नहीं है, अपने आप के ऊपर प्यार करना सीखो, ताकि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा रहेगा कि जो आपके ऊपर प्यार कर रहा है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।